अच्छा, बहुत अच्छा एक ऐप है। ये ऐप और वेबसाइट के द्वारा अपने कैंडिडेट को चुनने का, प्रतिनिधि को चुनने का, उसको पूरी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल क्या है, कैंडिडेट का इतिहास क्या था, कैंडिडेट कारोबार करता था या राजनीति करता था, क्या करता था। और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा सही कैंडिडेट, जो एक योग्य कैंडिडेट है, उनके आपस में कैंडिडेट की डिबेट करके और सही कैंडिडेट को एक पब्लिक को मालूम पड़े कि उसका रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा पहुँचेगा या विधानसभा पहुँचेगा वो कौन होगा, और क्षेत्र के बारे में उसकी योजनाएं क्या है, विकास किस हिसाब से करेगा, और उसका एक आगे का दूरदृष्टि से अगले 5 साल में अगर उस कैंडिडेट चुन के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनता है तो अगले 5 साल वो क्या करेगा। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और फिनिशा को, उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इंडिया में काफ़ी इसके प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और ये प्लेटफॉर्म को वो लेके आए। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, अगले 5 साल के अंदर पूरे इंडिया और रूरल सिटीज गाँव तक ये प्लेटफॉर्म पहुँचेगा। ऐसा है, ये जो बॉम्बे में आके घर का झूठे झूठे 500 स्क्वायर फीट का वादा करके गए, ये एक बहुत अच्छा पप्पू और संजू की जोड़ी है। जैसे पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट और संजू होते थे, वैसे अभी एक सर्किट हमारे राहुल गांधी और संजू संजू के वैसे ही रह गए हमारे निरुपम साहब। कुछ भी बोलना और लोगों को गुमराह करना, जब मेरा ऐसा मानना है MCHI और क्रेडाई जो एक अच्छी हाउसिंग सबसे बड़ी संस्था है देश की और महाराष्ट्र की है, उनको इसके बारे में जल्द से जल्द प्रेस रिलीज निकालना चाहिए कि 500 स्क्वायर फीट स्लम के अंदर घर देने के बाद किस हिसाब से फिजिबिलिटी रहेगी। और अगर प्लॉट के ऊपर 500 स्क्वायर फीट अगर टेनमेंट को दे दोगे तो आप उसमें सेल कंपोनेंट बनाओगे कैसे, और जब सेल कंपोनेंट बनाने के लिए हाइट की रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे प्लॉट के ऊपर उतनी बिल्डिंग बैठी नहीं सकती है। ऐसे वाहियात और ऐसी मुंबईकर को गुमराह करने का और गरीबों के सेंटिमेंट, जो आदमी एक घर समझता है, मुंबई में एक स्लम में रहने वाले को लगता है कि मुझे घर मिलेगा, ये मेरा एक स्वप्न है 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, उसमें 500 स्क्वायर फीट के गलत झूठे वादे करके हर एक प्रोजेक्ट को अनफिजिबल करना, और ऐसी बात संजू और पप्पू की जोड़ी करती है मुंबई में तो लोगों को मालूम है और लोग उनको बहुत अच्छी तरह 2019 में जवाब देंगे। और मैं ये माध्यम से निरुपम साहब को बोलना चाहता हूँ कि वो नॉर्थ मुंबई में 5 लाख वोट से नॉर्थ वेस्ट में आएंगे, वहाँ पे भी लोग उनको वैसे ही जवाब देंगे। जो हमारे को नरेंद्र मोदी जी को 6 की 6 लोकसभा की सीट जिताने के लिए पूरा मुंबई का युवा मोर्चा, उसके लिए डोर टू डोर युवाओं को साथ में जोड़ के, तो मुंबई में जितने लाखों वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको मोदी जी के विचारों के द्वारा जो पिछले 5 वर्षों में अच्छे काम देश में हुए हैं उनको डोर टू डोर बताएगा। और दोबारा 6 के 6 सांसद मोदी जी के लिए हाथ उठाने वाले लोकसभा में जो कैंडिडेट रहेंगे उनको जिताएगा।